हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जियोवानी बकाशियो के लाइफ और वर्क्स के बारे में जानेंगे। जियोवानी बकाशियो वाज बोर्न इन 1313 इन फ्लोरेंस और सेंटाल्डो, जो कि इटली में है। अब बकाशियो के बर्थ प्लेस के बारे में क्रिटिक्स में दो राय है। कोई कहते हैं ही वाज बोर्न इन फ्लोरेंस, और बहुत लोगों का मानना है कि जो फ्लोरेंस के पास सेरेटाडो एक विलेज है जहां पे उनके पेरेंट्स रहते थे, वहां पे बकाशियो पैदा हुए। लेकिन सब में एक राय है कि उनको फ्लोरेंस में पाला गया, उनका एजुकेशन बाद में फ्लोरेंस में ही हुआ। अब बकाशियो का इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट ग्रेट राइटर ऑफ प्रोज इन एनी मॉडर्न लैंग्वेज। जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है उनमें बकाशियो फर्स्ट प्रोज राइटर है जिनको इतने बड़े स्केल पर जाना जाता है। बकाशियो के पहले डांटे है, बाकी ग्रीक और अदर राइटर्स है जो कि वर्स में लिखते थे, बट बकाशियो प्रोज के सबसे बड़े, सबसे पहले जाने माने राइटर है। उन्होंने बहुत सारे लिटररी फॉर्म्स को भी ओरिजिनेट किया, जैसे ही रोट द फर्स्ट इटालियन इडल। अब इडल मीन्स शॉर्ट हाईली व्रॉड डिस्क्रिप्टिव पोएम्स ऑन पेस्टरल सब्जेक्ट्स। उन्होंने प्रोबेबली ओटावा रिमा भी इन्वेंट किया। ओटावा रिमा का ओरिजिन इटली में ही है और बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं कि ओटावा रिमा को बकाशियो ने ही इन्वेंट किया है। ओटावा रिमा पे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक सजेशन में है और डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लीज चेक दैट आउट। और जो फिलोकोलो है, इट इज द फर्स्ट प्रोज रोमांस, इटालियन प्रोज रोमांस बाय बकाशियो। एंड इल फिलिस्ट्रेटो, जो कि फर्स्ट इटालियन वर्स रोमांस है, वो बकाशियो ने लिखे हैं। अब इसके बाद जो बकाशियो के मेन वर्क्स है वो समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेन वर्क है फिलोकोलो। इट इज अ प्रोज रोमांस रिटन बिटवीन 1335 टू 1336। नाउ दिस इज द रोमांस ऑफ इटालियन लिटरेचर रिटन इन अ प्रोज। तो ये सबसे पहला रोमांस है, मीन्स शॉर्ट नॉवेल है, जो कि इटालियन लिटरेचर में पहली बार प्रोज में लिखी गई। इससे पहले पोएट्री में लिखी जाती थी, वर्स में लिखी जाती थी। ये फिलोकोलो का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। बेस्ड ऑन अ वेरी पॉपुलर स्टोरी ऑफ द टाइम, फ्लोरियो ए बियांका फिरो। अब फिलोकोलो की स्टोरी उस समय पे जो इटली में पॉपुलर स्टोरी थी, फ्लोरियो ई बियांका फिरो, इनकी लव स्टोरी पे बेस्ड है। अब फिलोकोलो का इम्पैक्ट चौसर पे भी पड़ा, क्योंकि द फ्रैंकलिन टेल, जो कि चौसर की कैंटरबरी टेल्स में है, वो फिलोकोलो से इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है इल फिलिस्ट्रेटो। नाउ दिस इज द फर्स्ट इटालियन वर्स रोमांस बाय बकाशियो। अब ये जो रोमांस है वो भी फर्स्ट है और वो वर्स रोमांस है जो कि फर्स्ट टाइम इटली में बकाशियो ने लिखा। द पोएम हैज अ माइथोलॉजिकल प्लॉट, इट नैरेट्स द लव स्टोरी ऑफ ट्रायलस, द यंगर सन ऑफ प्रायम ऑफ ट्रॉय और क्रिसीड डॉटर ऑफ कैलकस। अब इल फिलिस्ट्रेटो की स्टोरी जो ट्रायलस एंड क्रिसीड की स्टोरी है माइथोलॉजी में, उस पर बेस्ड है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे क्रिसीड, जो कि विडो है, और ट्रायलस इज अ वॉरियर, उन दोनों को फीड्रस, जो कि क्रिसीड का कजिन है, उन वो मिलाता है। लेकिन बाद में क्रिसीड काइंड ऑफ बिट्रे ट्रायलस और एंड में ट्रायलस की डेथ हो जाती है। ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिस पर बकाशियो ने इल फिलिस्ट्रेटो ये वर्क लिखा है। अब जॉफ्री चौसर ने भी ट्रायलस एंड क्रिसीड ये वर्क लिखा है, और इसका इंस्पिरेशन चौसर ने बकाशियो के इल फिलिस्ट्रेटो से लिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क है बकाशियो का टीसेडा। इट इज अ लॉन्ग एपिक पोयम इन 12 बुक्स। ये बहुत ही लॉन्ग एपिक पोयम है, 12 बुक्स में डिवाइडेड है, और इस पोयम में ऑलमोस्ट 10,000 लाइन्स है। टीसेडा की स्टोरी थीसियस, पैलामन और आरसाइटी इनके इर्द गिर्द घूमती है। अब टीसेडा नाम थीसियस से लिया गया है, बट इस पोयम में ज्यादातर पैलामन और आरसाइटी इनके बारे में ही बताया गया है। इसमें स्टोरी है कि पैलामन और आरसाइटी पहले तो कजिन रहते हैं, बट दे फॉट फॉर एमिली, और कैसे एक जीत जाता है लेकिन वो एमिली को दूसरा हासिल नहीं कर पाता, इसकी स्टोरी है टीसेडा में। एंड दिस इज द मेन सोर्स ऑफ नाइट्स टेल इन जॉफ्री चौसर्स कैंटरबरी टेल्स। जो नाइट की टेल है वो भी पैलामन और आरसाइटी के ही स्टोरी है, और शेक्सपियर ने भी टू नोबल किंसमन में इसी स्टोरी को फिर से बताया है। बकाशियो ने डांटे की लाइफ लिखी, मतलब डांटे की बायोग्राफी लिखी है, और इसके अलावा
बहुत सारे एनसाइक्लोपेडिक वर्क है लैटिन में जो बकाशियो को एट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बकाशियो का डेकामेरोन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ नॉवेलाज सबटाइटल्ड एज प्रिंस गेलेहॉट। डेकामेरोन को वर्नेकुलर लैंग्वेज में लिखा गया एंड इट इज कंसिडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ क्लासिकल अर्ली इटालियन प्रोज। डेकामेरोन वॉज द मेजर मास्टरपीस ऑफ बकाशियो जो कि प्रोज में लिखा है। अब डेकामेरोन इस बुक का स्ट्रक्चर फ्रेम नैरेटिव है, इसको ही फ्रेम स्टोरी भी कहा जाता है। फ्रेम नैरेटिव और फ्रेम स्टोरी मीन्स स्टोरी विद इन द स्टोरी। बकाशियो एक स्टोरी बताते हैं, उसके अंदर जो कैरेक्टर है वो और स्टोरी बताते हैं। मीन्स देर आर 100 स्टोरीज टोल्ड ओवर 10 डेज बाय 7 यंग वुमेन एंड 3 यंग मेन। डेकामेरोन में 100 स्टोरीज है जो 10 डेज में बताई गई है 7 यंग वुमेन और 3 यंग मेन ने मिलकर। अब यहाँ पे नैरेटिव कैसा है कि बकाशियो 7 यंग मेन और 3 यंग वुमेन की स्टोरी बताते हैं, उनके ब्लैक डेथ जो डेकामेरोन के ही इरा में हुआ, उस समय वो लोग कंट्री साइड में खुद को बचाने के लिए ब्लैक डेथ से भाग जाते हैं, ये स्टोरी बकाशियो बताते हैं। और वहां पे वो जो यंग मैन और यंग वुमेन है टाइम पास करने के लिए, समय बिताने के लिए, वो स्टोरी बताते हैं। ऐसा फ्रेम नैरेटिव है। अब मेन में पैनफिलो, डाइनियो, फिलोस्ट्रेटो ये है, और वुमेन में नेफिल, फिलोमेना, फियामेटा, एमिलिया, लोरेटा, एलिसा एंड पैम्पिना, ये वुमेन है। अब इसमें होता क्या है, जो 10 लोग हैं ब्लैक डेथ के दौरान, प्लेग के दौरान, कंट्री साइड में 2 वीक के लिए जाते हैं, भाग जाते हैं, और अब करेंगे क्या। सो आफ्टरनून में, दोपहर में, वो स्टोरी एक दूसरे को स्टोरी बताकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। अब हर एक दिन वो जो ग्रुप के लोग हैं, एक तो एक किंग या फिर क्वीन चूज करते हैं, और वो किंग और क्वीन डिसाइड करते हैं कि उस दिन की जो स्टोरी बताई जाएंगी उसकी थीम क्या रहेगी। मतलब वो पहले थीम डिसाइड करते हैं, वो एक किंग और क्वीन, और फिर उसी थीम को लेकर जो बाकी के लोग हैं वो स्टोरी बताते हैं। हर रोज 10 लोगों के द्वारा एक स्टोरी, मतलब 10 दिन में 100 स्टोरीज। जो कैरेक्टर है स्टोरीज के, दे आर फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ लाइफ, स्पेशली फ्रॉम मर्चेंट एंड क्लर्जी। और जो स्टोरी है डेकामेरोन की, हमें उस समय की जो सोशल लाइफ है उसके बारे में बताती है। अब डेकामेरोन को बहुत ही ज्यादा लिटरेरी वैल्यू है, बिकॉज डेकामेरोन की ही स्टोरी बहुत बार अदर लिटरेरी फिगर्स ने, जैसे कैंटरबरी टेल्स बाय चौसर, टू नोबल किंग्समैन बाय शेक्सपियर, इन्होंने बार बार रिटोल्ड की है। जो डेकामेरोन में थीम्स है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ पावर ऑफ फॉर्चून। जो पहले दिन है वो किंग या फिर क्वीन जो भी बनेगी वो डिसाइड करेंगे कि एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ फॉर्चून पे स्टोरी बताई जाए। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन विल, लव टेल्स दैट एंड्स ट्रेजिकली, लव टेल्स दैट एंड्स हैप्पीली, क्लेवर रिप्लाइज दैट सेव द स्पीकर, ट्रिक्स दैट वुमेन प्ले ऑन मैन, ट्रिक्स दैट पीपल प्ले ऑन ईच अदर इन जनरल, एंड एग्जाम्पल ऑफ वर्चू। ये सभी थीम है, इन पर वो 10 लोग 10 दिन में 100 स्टोरीज बताते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बकाशियो एंड हिज वर्क्स। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।